रामदासपेट स्थित फार्मलैंड रोड पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर बेसमेंट बनाने के लिए खोदे गए 40 फीट गड्ढे की जमीन अचानक से धस गई है। सपोर्ट के लिए बनाए गए बीम भी धराशायी हो गए। जमीन धसने के कारण सड़क किनारे खड़ी एक कार भी गहरे गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे से परिसर में रहने वाले नागरिक दहशत में है। रामदासपेट में होटल सेंटर पॉइंट के सामने केदार डेवलपर कंपनी द्वारा बहुमंजिलाना इमारत का निर्माण कार्य किया जा रहा है। बेसमेंट पार्किंग के लिए यहां पर 40 से 50 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया है। कंस्ट्रक्शन साइट की पिछली तरफ मंगलदीप अपार्टमेंट है। फार्मलैंड के अधिकांश नागरिक इसी गली में अपने वाहन पार्क करते हैं। रात 10 बजे के दौरान अचानक पिछली तरफ की जमीन धंसने लगी। इस समय एक पोकलेन मशीन बेसमेंट में खड़ी हुई थी। वहीं मंगलदीप अपार्टमेंट निवासी गुरदीप सिंह पाहुजा ने भी अपनी कार अपार्टमेंट के सामने पार्क की थी। जमीन धंसने के कारण उनकी कार 40 फीट नीचे जा गिरी। उनके पड़ोसी ठक्कर की गाड़ी भी गिरने वाली थी, लेकिन तुरंत ही वाहन को वहां से हटा लिया गया। जोरदार आवाज होने पर आसपास के नागरिकों को घटना का पता चला। पुलिस और महानगर पालिका को जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही बजाज नगर पुलिस मौके पर पहुंच गई। संयोग से इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। लगातार कंस्ट्रक्शन साइट पर जमीन धंसती जा रही है, इससे आसपास के अपार्टमेंट में रहने वाले नागरिक दहशत में हैं। अपार्टमेंट के नागरिकों ने बताया कि यहां नागरिकों की परेशानी को दरकिनार करते हुए दिन रात कंस्ट्रक्शन का काम चलता है और उसमें भी लापरवाही बरती जा रही है। लोगों को डर है कि कहीं आजू बाजू के अपार्टमेंट के पिल्लर भी धस न जाए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर। 125 वर्षों से महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था पुणे द्वारा संचालित कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन नागपुर एकमात्र इंडस्ट्री सहायक कॉलेज, सर्वाधिक कोर प्लेसमेंट, 100% इंटर्नशिप, सैनिटाइज्ड हॉस्टल और हाइजीनिक मेस सुविधा, बस सुविधा, स्कॉलरशिप। आज ही प्रवेश ले कमिंस, ब्रांच कुठली ही असो, माझी निवड कमिंस नागपुर।